हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद फारा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 17 इंग्लिश सेंटेंसेस, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि काफ़ी यूजफुल होंगे। आप भी देखिएगा इस वीडियो में आगे, लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। और ये सेंटेंसेज जो हैं वो बहुत 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 ही यूजफुल हैं, यकीन नहीं आता है, तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। डू नॉट नैग मी, यानी कि मेरा सिर मत खाओ। बच्चे काफ़ी बार ना मम्मा को परेशान कर देते हैं, तो मम्मा बोलती है डू नॉट नैग मी, यानी कि मेरा सिर मत खाओ, मुझे परेशान मत करो, डू नॉट नैग मी। दूसरा है वॉशिंग मशीन सुबह से चल रही है, ये भी डेली यूज सेंटेंसेज हैं। मम्मी लोग बोलती है ना वॉशिंग मशीन सुबह से चल रही है, द वॉशिंग मशीन हैज़ बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। द वॉशिंग मशीन हैज़ बीन रनिंग, यानी कि चल रही है फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से। द नेक्स्ट सेंटेंस इज नल अभी तक चल रहा है, यानी कि अभी तक पानी बह रहा है नल का, क्या तुमने बंद कर दिया है? द टैप इज रनिंग स्टिल, डिड यू टर्न दैट ऑफ, डिड यू टर्न दैट ऑफ, यानी कि तुमने क्या ऑफ किया है उसे, नल अभी तक चल रहा है। इस बार बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, ये भी हाउस वाइफ लोग थोड़ा परेशान हो जाती है ना कि वो इस बार ज़्यादा आएगा, क्योंकि मशीन चल रही है, पानी बह रहा है, तो दिस टाइम द इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी हाई, दिस टाइम द इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी हाई, क्या तुमने बिजली का बिल भरा? डिड यू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, डिड यू पे, या अगर हैव हो जाएगा तो हैव यू पेड हो जाएगा, तो डिड यू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिर लाइट चली गई, गर्मी में कितनी परेशानी जाती है ना, बार बार लाइट चली जाना, तो हम लोग बोलते हैं ना फिर लाइट चली गई, अगेन द लाइट वेंट ऑफ, या फिर अगेन द पावर वेंट ऑफ। आज बहुत गर्मी है, तो आज बहुत गर्मी है तो इसको बोलेंगे टुडे इज ब्लिस्टरिंग हॉट। ब्लिस्टरिंग हॉट यानी कि छाले, ब्लिस्टर मतलब छाले होते हैं ना, इतनी गर्मी है बिल्कुल। टुडे इज ब्लिस्टरिंग हॉट, स्कॉर्चिंग भी यूज होता है वैसे। वाह बत्ती आ गई, वाओ द लाइट इज बैक ऑन, वाओ द पावर इज बैक ऑन, लाइट एंड पावर आर द सेम थिंग, सो बत्ती आ गई, द लाइट इज बैक ऑन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज अखबार मेज पर रखो सुबह सुबह, वो न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देखे जाता है, तो मम्मा बोलती है कि अखबार मेज पर रखो, पुट द न्यूज़पेपर ऑन द टेबल, पुट द न्यूज़पेपर ऑन द टेबल, पुट यानी कि रखना, पुट द न्यूज़पेपर ऑन द टेबल, टेबल पर रखना। टीवी की आवाज़ कम करो, बच्चे ना कार्टून वगैरह देखते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ में देखते हैं, तो मम्मा बोलती है रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द टीवी, या फिर लोअर द वॉल्यूम ऑफ द टीवी, लोअर द वॉल्यूम ऑफ द टीवी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम थके हुए लग रहे हो, थोड़ा आराम कर लो, स्कूल से बच्चे आते हैं ना, मम्मा बोलती है हाँ थके हुए लग रहे हो, थोड़ा आराम कर लो, यू सीम टायर्ड, टेक सम रेस्ट, यू सीम टायर्ड, टेक सम रेस्ट। मैं 10 मिनट में खाना लगाती हूँ, आई विल सर्व द फूड इन 10 मिनट्स, सर्व यानी कि लगाना, आई विल सर्व द फूड इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में खाना लगाती हूँ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे पहले मेज साफ करने दो, लेट मी क्लीन द टेबल फर्स्ट, लेट मी क्लीन यानी मुझे साफ करने दो, द टेबल फर्स्ट मेज पहले, तो मुझे पहले मेज साफ करने दो, लेट मी क्लीन द टेबल फर्स्ट, तभी तो खाना लगेगा ना। बत्ती बंद कर दो, वोल्टेज बहुत हाई है, स्विच ऑफ द लाइट्स एज द वोल्टेज इज वेरी हाई, ये भी बोला जाता है घर में अक्सर, स्विच ऑफ द लाइट्स एज द वोल्टेज इज वेरी हाई। चाकू से मत खेलो, बहुत शार्प है, और बच्चे क्या करते हैं किचन में जाते हैं तो चाकू ही उठा लेते हैं, डोंट प्ले विद द नाइफ इट्स वेरी शार्प, डोंट प्ले यानी कि खेलो मत विद द नाइफ चाकू से, इट्स वेरी शार्प बहुत तेज़ है उसकी धार, द नाइफ इज ब्लंट इट्स नॉट वर्किंग, तो ये भी सेंटेंस हो सकता है, नाइफ ब्लंट है यानी कि उसमें धार उसकी अच्छी नहीं है, चाकू कुंद है, काम नहीं कर रही, इट्स नॉट वर्किंग,
द नाइफ इज ब्लंट, यानी कि धार मोटी हो जाना, सब्जी वगैरह ठीक से नहीं कटना, तो इट्स नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रही है. क्लोज द डोर बिफोर यू लीव, या फिर शट द डोर बिफोर यू लीव, जाने से पहले दरवाज़ा बंद कर देना, जाने से पहले दरवाज़ा बंद कर देना. क्लोज द डोर मतलब बंद कर देना, बिफोर यू लीव यानी कि जाने से पहले. तो गाइज ये था बहुत ही छोटा वीडियो, और आप प्लीज़ 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 को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.